नितिन गडकरी ने इंडिया की सड़कों से साइकिल रिक्शा को गायब कर दिया। उनके हिसाब से एक इंसान का दूसरे इंसान को साइकिल रिक्शा में कैरी करना एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट और एग्जॉस्टिंग काम होता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले लॉ में चेंजेस किए, जिससे ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग काफी आसान हो गई। सेकेंडली, ई रिक्शा की इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और इन पे सब्सिडीज देने से इनका कॉस्ट काफी अफोर्डेबल हो गया। केवल 85,000 में एक ई रिक्शा मिल जाता है, जो नॉर्मल ऑटो रिक्शा के कॉस्ट से आधा है। फाइनली दीनदयाल ई रिक्शा स्कीम के अंदर लोगों को बिना किसी कोलेटरल के केवल 3% इंटरेस्ट में लोन दिया गया, जिससे वो इजिली ई रिक्शा खरीद सके। इन सब के कारण 90% साइकिल रिक्शा ओनर्स अब ई रिक्शा में स्विच कर चुके हैं। नॉर्मल ऑटो रिक्शा भी कम हो रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन कम हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कई सारी फीमेल्स भी ई रिक्शा ड्राइव करके इनकम जनरेट कर पा रही हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिए।